चांद पर सबसे पहले किसने पहुंचे? पहुंचने के बाद क्या हो गया? ऊंट के आंख पर पलके कितने होते हैं? कुत्ते को चॉकलेट क्यों नहीं खिलाए? किस जानवर का हाथ पर उल्टा होता है? वीडियो के अंत तक आप बने रहें। गाय जो ऊंट होता है उसका आंख के पलके कितना होता है? जैसे कि मनुष्य के आंख के पलके होते हैं उसी प्रकार यानी कि ऊंट का जो पलके होता है वह तीन प्रकार का होता है, यानी कि तीन भाग में, तीन खंड में ऊंट का पलके होता है। वह इसलिए होता है कि जब रेगिस्तान में आंधी तूफान से बालू का रेत जो कि आंधी की तरह उठता है और वह ऊंट पूर्ण रूप से आंख नहीं बंद कर पाए, इसलिए तीन पल का होता है कि वह आंख को बिना बंद किए हुए केवल पलक से ही आंख को खोल कर रख सके। इसी गाय अगर आप कुत्ते को कोई यानी कि किसी प्रकार के जब आप उसे चॉकलेट दे रहे हैं प्रतिदिन तो आपको क्या नुकसान, यानी कि कुत्ते को क्या नुकसान होगा? कुत्ते मर सकता है। ऐसा इसलिए मर सकता है कि कुत्ते में जो विटामिन होता है ओब्रामिन नामक तत्व होता है जो कि कुत्ते के लिए बहुत घातक है और दिल के दौरा के लिए बहुत घातक है। इसलिए कुत्ते को आप अगर चॉकलेट खिला रहे हैं तो नहीं खिलाए, ये मेरा सुझाव है। साहब कौन सा खिलाड़ी यानी कि जो फिल्म शूटिंग करता है हीरो जिसे कहा जाता है, उसका जब फिल्म शूटिंग किया जाता था वह इतना फास्ट में काम करता था कि उसको फिल्म को रिकॉर्डिंग करने के बाद उसे स्लो मोशन किया जाता था, उसके बाद वायरल किया जाता था। उस यानी कि हीरो का क्या नाम है? ब्रूस ली जब फिल्म शूटिंग करता था उस समय उसके फिल्म को रिकॉर्डिंग करके उसके स्लो मोशन को करके उसके बाद फिल्म को शूटिंग यानी कि पूर्ण रूप से वायरल किया जाता था। गाइज कौन सा व्यक्ति जो कि चंद्रमा पर पहली बार अपना पैर रहा यानी कि चंद्रमा पर पहली बार ही चौंपा, उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग है जो कि चंद्रमा पर पहली बार चौंपे। अपने पैर को कौन से पैर को पहली बार चंद्रमा पर रखे? बाएं पैर को चंद्रमा पर पहली बार रखे। रखते ही क्या हो गया उनको, यानी कि वह उनको क्या हो गया? यह हुआ कि उनका जो धड़कन है 156 के स्पीड में धड़कने लगा एक मिनट के अंदर। जैसे कि एक मिनट में 72 बार में धड़कता है, उनका 156 बार धड़कने लगा बहुत अधिक तेजी से। गाय सभी जो जानवर होते हैं उनका हाथ पैर यानी कि चार पैर होते हैं वह पूर्ण रूप से सीधे होते हैं, लेकिन भालू है उनका हाथ पैर उल्टे होते हैं। आप कहेंगे हमने तो कभी नहीं देखा, मैंने तो कभी भी नहीं देखा, लेकिन वह ध्रुवीय रेखा पर जो भालू रहते हैं वह भालू का हाथ पर जो होता है वह पूर्ण रूप से उल्टे ही होते हैं, अधिकतर ध्रुव रेखा पर ही होते हैं, बाकी जगह आपको देखने का नहीं। आज हम लोगों आप लोगों ने सुनते हैं कि बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध जो कि जापान, अमेरिका, इटली, जर्मनी इन देशों ने मिलकर युद्ध बहुत बड़े बड़े लड़े हैं, लेकिन कौन सा युद्ध है जो कि कम ही समय यानी कि सबसे छोटे युद्ध कहा जाता है? उस युद्ध को कितने देर तक लड़ा गया था? उस युद्ध को जो कि मात्र 38 मिनट तक लड़ा गया था जो कि जंजीबार और इंग्लैंड के बीच यहाँ युद्ध हुआ था, जो कि जंजीबार बाद में आत्मसमर्पण कर लिया, कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़। गाइस अगर आप आंख खोलकर यानी कि आंख खोलकर छींकना असंभव है, यह परफेक्ट है, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं आंख खोलकर छींकने का रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं तो आपको यह परेशानी क्या होगा कि आंख खोलकर छींकने पर, आंख खोलकर अगर आप छींक रहे हैं तो आपका जो आंख होता है वह आंख निकलकर बाहर आने की अधिकतर संभावना है। अगर यह प्रयास आप कर रहे हैं तो इस प्रयास को छोड़ दे और इससे कोशिश करने का भी चांस न ले, क्योंकि आपका आंख हमारे अंदर यानी कि शरीर के जो भी भाग हैं वह पूर्ण रूप से चारों तरफ से उसे पकड़े हुए एक दूसरे का संपर्क सभी से है, लेकिन हमारे कौन सा अंग है जो कि एक तरफ से ही संपर्क है, जैसे कि उंगली है या उंगली पूर्ण रूप से यहाँ लेपित है यानी कि पूर्ण रूप से पकड़े हुए, लेकिन जो जीभ है हमारे अंदर जीभ वह केवल नीचे से पकड़ा हुआ है, ऊपर से नहीं, एक साइड से जीभ को पकड़ा हुआ है, बाकी सब चारों। गाइस आपने पहले सुने होंगे कि पत्थर तैरता है, लेकिन हाँ यह बात तो करेक्ट है कि पत्थर तैरता है, लेकिन स्टोन जो तैरता है वह कौन सा स्टोन है? कोई खास स्टोन होगा, हाँ जी वह कोई खास स्टोन है जो तैरता, हाँ जी वह कोई खास स्टोन है जो तैरता है, बाकी सारे पत्थर नहीं तैरते हैं, जो कि फ्यूमिक नामक जो पत्थर है स्टोन है जो कि वह तैरता है, बाकी जो पत्थर है वह नहीं तैरता है, फ्यूमिक नामक पत्थर तैरते हैं। अगर मैं वीडियो गाइस आप लोगों ने लस्सी पिए होंगे जो कि कहा जाता है बटर मिल्क, लेकिन मैं बताता हूँ पूर्ण रूप से कि जो बटर मिल्क होता है उसमें कितने प्रकार के यानी कि कितने बटर क्रीम पाए जाते हैं, यह कहा जाए तो आपने चौंकने वाला बात है। उसका नाम तो है बटर मिल्क यानी कि क्रीम वाला दूध,
लेकिन उसमें 1% यानी कि 0% भी क्रीम नहीं रहता है, केवल नाम के लिए है जो कि छाछ होता है लस से, उसमें क्रीम 1% नहीं रहता है। मेरे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।